आइए अब रुक करते हैं एक और खबर का, और वो खबर कुछ ऐसे शुरू करते हैं कि ये एक आदेश है, एक प्रेस रिलीज है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और इसमें ऊपर लिखा हुआ है प्राथमिकी अभियोग दैनिकी आदि को दर्ज करते समय सरल शब्दों के प्रयोग के संबंध में निर्देश। अब आप तय कर लीजिए ये सरल शब्द हैं या नहीं। ये दिल्ली पुलिस आयुक्त की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति। आप सबको दिल्ली पुलिस की भाषा आसानी से समझ में आ जाएगी, इसको लेकर के एक कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने किया है। अपने सभी थानों में एक नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि जो FIR लिखी जाती है उनकी भाषा बहुत मुश्किल होती है, उसमें उर्दू फारसी के शब्द जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा उन शब्दों के बदले हिंदी या अंग्रेजी के आसान शब्द इस्तेमाल किए जाए। दरअसल 2018 की एक याचिका में कहा गया था कि पुलिस की जो भाषा है उसमें उर्दू फारसी के बहुत से शब्द हैं जो समझ में नहीं आते, भाषा बड़ी जटिल होती है, शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है और उनकी जगह हिंदी के सरल शब्द इस्तेमाल किए जाए। तो आखिरकार दिल्ली पुलिस ने एक सूची जारी करके उर्दू के करीब 380 शब्दों की जो इस्तेमाल न किए जाएं और उनकी जगह सीधे सरल आसान शब्द लिखे जाएं, इसकी एक सूची तैयार की। अब दिल्ली पुलिस का वर्जन है ये सरलीकरण का, और ये जो नोटिस था इसका जो हेडर है वो तो हमने आपको पढ़ के बता ही दिया, प्राथमिकी अभियोग दैनिकी आदि को दर्ज करते समय सरल शब्दों के प्रयोग के संबंध में निर्देश। शुरुआत तो सरलीकरण की आप देख ही सकते हैं किस तरीके की। आइए एक नजर डालते हैं कुछ शब्दों पर और उनके बदले कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाने। फुल फ्रेम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए। उर्दू शब्द है अहम, हिंदी में उसका शब्द बताया है विशेष, अंग्रेजी शब्द स्पेशल। फिर मुजरिम, हमने अक्सर देखा है हिंदी फिल्मों में भी सुना है अदालती कार्रवाई में भी, मुजरिम हिंदी शब्द बताया गया है कि अपराधी बोलिए भाई, और अंग्रेजी में बोलना है तो बोल दीजिए कल्प्रिट। फिर आता है असलियत, दिल्ली पुलिस कहती है असलियत नहीं वास्तविकता बोल लीजिए, सच्चाई बोल लीजिए, और अंग्रेजी में बोलना चाहे तो रियलिटी बोल लीजिए। फिर है इकरार, उसकी जगह वचन या वायदा बोल लीजिए, नहीं तो अंग्रेजी में प्रॉमिस बोल लीजिए। इत्तला, उसकी जगह बोलिए सूचना या इंफॉर्मेशन। इल्जाम यानी कि आरोप या चार्ज। इंतजाम यानी कि प्रबंध करना और बंदोबस्त यानी कि अरेंजमेंट। अच्छा, इसी लिस्ट में एक ऐसा शब्द आ गया जिसको कहते हैं इश्तेहार शोर गोगा। अब इसका हिंदी तो है ही नहीं, तो दिल्ली पुलिस कहती है कि इसका हिंदी भी इश्तेहार शोर गोगा और अंग्रेजी शब्द ह्यू एंड क्राई नोटिस। अच्छा, अब आता है एक गजब शब्द, उर्दू का शब्द है गिरोह और उसका हिंदी सरलीकरण दिल्ली पुलिस के हिसाब से है गैंग दल या आरोपियों का गिरोह, यानी कि गिरोह को बदल के आरोपियों का गिरोह बना दिया अंग्रेजी में गैंग। जाहिर बतलाना या स्पष्ट एक्सप्रेस। उसके बाद अगला शब्द नतीजा, उसका हिंदी शब्द बताया परिणाम रिजल्ट। फिर है रंजिश, और ये तो गजब ही है, रंजिश आपसी रंजिश हम सुनते हैं, उसकी जगह हिंदी का सरल शब्द दिल्ली पुलिस बताती है खुंदस या दुश्मनी। अब खुंदस जैसा शब्द जो है वो हो सकता है FIR में लिखा जाए, अंग्रेजी में एनमिटी, पर्सनल एनमिटी जिसे कहते हैं। वारदात को घटना बोल लीजिए या इंसिडेंट। चश्मदीद गवाह को घटना पर उपस्थित व्यक्ति, यह बताया है दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद उर्फ, उर्फ जो एक शब्द होता है उसका हिंदी बताया है उपनाम यानी कि अलायस। मासूम के लिए दिल्ली पुलिस कहती है कि मासूम की जगह नम्र स्वभाव वाला बोल लीजिए इनोसेंट। तफ्तीश को आप बोलिए अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन, तो तफ्तीश नहीं होगी अब अनुसंधान होगा। इसके बाद तेज धार हथियार को पैना हथियार बोलिए, शार्प वेपन। इतने सब शब्द हैं, दरअसल सूची तो बहुत लंबी है लेकिन वो पूरा एक कार्यक्रम ही निकल जाता तो हमने उसमें से कुछ ही शब्द उठाए। तो अब मान लीजिए कि अगर कहना है कि हत्या के मामले की तफ्तीश करने पर पाया गया कि
कि राम उर्फ रामू इस मामले में मासूम है और असलियत में श्याम उर्फ श्यामू ने बलराम पर तेज धार हथियार से वार किया है, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इन दोनों की पुरानी रंजिश थी। चश्मदीद गवाह ने ये वारदात होते देखी और बाद में श्याम ने जुर्म का इकरार कर लिया। तो अब दिल्ली पुलिस की इस जगह सरलीकरण में जो भाषा उन्होंने प्रस्तावित की है, उसके हिसाब से अब FIR इस तरीके की हो। हत्या के मामले का अनुसंधान करने पर पाया गया है कि राम उपनाम रामू नम्र स्वभाव वाला है और वास्तविकता में श्याम उपनाम श्यामू ने बलराम पर पैने हथियार से वार किया, जिसके परिणाम में उसकी मौत हो गई। इन दोनों की पुरानी खुंदस थी। उपस्थित व्यक्ति ने यह घटना होते देखी और बाद में श्याम ने अपराध का वचन दे दिया। तो अब आप तय कर लीजिए कि सरल क्या है और मुश्किल क्या है। लेकिन यह बात भी हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि वाकई कठिन होते हैं, उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी हैं। अगर कोई सरकारी आप सर्कुलर देख लें तो सिर पकड़ लेंगे आप, चक्कर खा के गिर जाएंगे, ऐसी ऐसी हिंदी के शब्द उसमें रहते हैं। पवन वर्मा जी जो हैं, उनसे हमने ये सवाल पूछा कि वो किस तरीके से इसको देखते हैं। अंग्रेजी में गालिब पर वो किताब भी लिख चुके हैं। आइए सुनते हैं पवन वर्मा क्या कहते हैं। देखिए, कोई ऐसा एक वाक्य या जुमला नहीं है हिंदी में जिसमें उर्दू का इस्तेमाल, और उर्दू और हिंदी जुड़वा बहन है। इसका कहने का मतलब यह है कि उनको मजहब के दायरे में मत देखिए। उर्दू मेरी भी जुबान है, उर्दू जो हिंदी के पंडित हैं उनकी भी जुबान है। हो सकता है कि पढ़े लोग उर्दू पढ़े ना हो, या बहुत से लोग हिंदी में निपुण ना हो, पर दोनों ही जुबान इस देश में इस तरह से मिली जुली है कि एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक सरलीकरण कर सकते हैं, जो ऐसे कुछ शब्द हैं उर्दू के जो कि आम उर्दू बोलने वालों को भी शायद समझ ना आए, या जिनका अब एक प्रासंगिकता कम होती चली गई है, उनको आप हटाए। उस तरह से आप हिंदी का भी कर सकते हैं, पर इस तरह का मैं समझता हूं एक फरमान कि अब हम उर्दू के वर्ड हटा देंगे, कल को तमिलनाडु में वो कहेंगे हम हिंदी के वर्ड हटा देंगे। ये जो भाषा पे जो एक संघर्ष आप इस देश में पैदा कर रहे हैं, उसमें बहुत सी परेशानियां ही नहीं, मैं समझता हूं उसमें देश की एकता पर भी प्रभाव हो सकता है। तो हमारा देश लिंग्विस्टिकली इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यहां 24 समृद्ध भाषाएं हैं जो प्राचीन से चली आ रही, जिनकी अपनी वोकैबुलरी है, जिनकी अपनी स्क्रिप्ट है। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनकी स्क्रिप्ट नहीं है, बोली जाती जरूर है, पुरानी स्क्रिप्ट है, लिटरेरी कॉर्पस है। अब इन भाषाओं में अगर आप ये संघर्ष करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं गलत है। ये थे एम्बेसडर पवन वर्मा जो अपनी बात रख रहे थे। सीधी सी बात यह है कि आम जनमानस के लिए ये FIR या पुलिसिया कार्रवाई होती है या कोर्ट अदालत, एक कोई प्रक्रिया पुरानी चली आ रही है, बिल्कुल बदलिए, लेकिन उसको आसान बनाइए, सही मायने में सरल बनाइए, भाषा की टांग मत तोड़िए।